तो दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज मैं 2 साल के बाद रिव्यू कर रहा हूँ आईफोन 11 का। कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग बात होगा तभी मैं इसका रिव्यू 2 सालों के बाद कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं बहुत टाइम से आईफोन 11 यूज़ कर रहा हूँ, ये रहा मेरा फ़ोन। तो किसी भाई का मेरे पास कमेंट आया था कि भाई मैं आईफोन 11 खरीदना चाहता हूँ, और मैंने बहुत जगह से सुना है कि उसकी बैटरी लाइफ अच्छी नहीं है। तो भाई मैं पहले आपकी कमेंट को रिप्लाई कर देता हूँ कि इसकी बैटरी लाइफ बहुत अच्छी है। वो टोटली डिपेंड करता है आपके यूज़ पे। अगर आप इसे अच्छे से यूज़ करके चलाओगे तो इसकी बैटरी दिन भर आराम से चल जाएगी बिना किसी प्रॉब्लम के। मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ उतने टाइम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बैटरी हेल्थ भी बहुत जल्दी नहीं गिरती है। अगर आपको पता हो कि आईफोन की बैटरी हेल्थ कैसे मेंटेन करके चलना है, मैं विद इन, मुझे लगता है कि मैं 4 मंथ से इस फ़ोन को यूज़ कर रहा हूँ, अभी मेरा बैटरी हेल्थ 99% है। तो अगर आप इसके ऊपर भी एक वीडियो चाहते हो कि आप अपने आईफोन का बैटरी हेल्थ कैसे मैनेज करके रख सकते हो, तो उसके लिए मैं एक नई वीडियो बना दूंगा अगर आप कमेंट करोगे तो। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं कि क्या कुछ है खास इस वीडियो में, आपको क्यों आईफोन 11 अभी भी 2 सालों के बाद भी लेना चाहिए। तो दोस्तों मेरा नाम है अक्षय, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईफोन 11 के बारे में। और आपका स्वागत है चैनल टेको टॉक्स पे। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को के लिए सब्सक्राइब, क्योंकि टेक से रिलेटेड नई नई वीडियोस हम हमेशा डालते रहते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आईफोन 11 को मार्केट में आए हुए करीबन 2 साल हो चुके हैं, तो अभी तक आप आईफोन 11 के बारे में बहुत कुछ एक्चुअली ऑलरेडी जान चुके होंगे। सो मैं उतना कुछ नहीं बताता हूँ आपको इस वीडियो में, बट जो जो मेन पॉइंट है और क्यों आपको ख़रीदना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो में ये भी बता दूंगा कि किस टाइम में आप खरीदोगे तो आपको ये कम पड़ेगा। एक्चुअली अभी जो प्राइसिंग है इसकी वो करीबन 52,000 के अराउंड है, जो इसका बेस मॉडल है उसका। बट अगर आप उसके ऊपर जाओगे तो फिर अलग अलग इंटरनल स्टोरेजेस का बस डिफरेंस है, तो आप देख लो कि आपके हिसाब से कितना इंटरनल स्टोरेज आपके लिए गुड इनफ है। मैंने तो 64GB इंटरनल स्टोरेज ही मंगाया, बिकॉज मैं इसको एज अ सेकेंडरी फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ। मेरा प्राइवेट फ़ोन जो है वो मैं इसको वैसे नहीं यूज़ कर रहा हूँ। तो खैर छोड़िए, वो सब बात की बात है, अभी आते हैं हम अपनी वीडियो पे। हाँ, तो हम कहते हैं तो फिजिकली ओवरव्यू देने का ज़रूरत तो है नहीं। पीछे में आपको मिल जाता है ग्लास का बॉडी, 12 मेगापिक्सल एंड 12 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप। फ्रंट में भी आपको 12 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप मिल जाता है। साथ ही साथ बात करें तो इसमें डुअल स्पीकर आपको मिल जाएगा, एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ, जो कि स्टीरियो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। काफ़ी अच्छा बात है। मैं इससे पहले आईफोन 7 प्लस यूज़ कर रहा था, उसमें भी ये फ़ीचर था, तो ये एक बढ़िया चीज़ है। देखो मैं सीधा सीधी अगर बात करूं यहाँ पे, तो आईफोन 11 प्राइसिंग के हिसाब से बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोन है। मीन्स अगर आप 50,000 इन्वेस्ट करते हो किसी भी प्रोडक्ट में, तो आपकी एक्सपेक्टेशन उससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि 50,000 अगर मैंने किसी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करा तो वो मेरे लिए वैल्यूएबल है कि नहीं। तो मेन पॉइंट मैं डिस्कशन यहाँ पे कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि मेन पॉइंट अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप एक कैमरा लवर हो तो आपके लिए ये फ़ोन है। अगर आप म्यूज़िक लवर हो आपके लिए ये फ़ोन है। अगर आप वीडियोस लवर हो, आपकी इंटरेस्ट फ़ोन में वीडियोस देखने के लिए है, ग्राफिक्स के लिए है, तो ग्राफिक्स तो अच्छी है, लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले क्वालिटी आपको डिसअपॉइंट करेगी। बहुत सारे यूट्यूबर नहीं बताते हैं क्लियर खुल के, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि डिस्प्ले क्वालिटी आपको डिसअपॉइंट डेफिनेटली करेगी, क्योंकि मैं इससे पहले आईफोन 7 प्लस यूज़ कर रहा था, उसका डिस्प्ले इससे कहीं ज़्यादा बेहतर था। तो कम प्राइस रेंज में अगर आप अच्छी डिस्प्ले दे रहे हो, और जैसे ही आप ऊपर जा रहे हो तो जाहिर सी बात है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस तो बढ़ेगी, तो एक्सपेक्टेशन अगर बढ़ेगी तो उस हिसाब से काम भी होना चाहिए। परफॉर्मेंस की बात करूँ तो वो आपको ज़बरदस्त यहाँ पे मिलता है, 0 लैग इश्यूज के साथ ये फ़ोन आता है। इसमें आपको A13 बायोनिक चिपसेट मिल जाती है, जिसको कि एप्पल ने चैलेंज करा था कि ये बाकी सारे फ़ोन से दुगना फास्टर है। वो है भी, मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ये है, सारे फ़ोन से डबल फास्टर तो है। परफॉर्मेंस में आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। स्लाइटली डिसअपॉइंटमेंट आपको कैमरा में दिख सकती है, स्लाइटली, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ। बात बाकी मेन इशू जो था और कमेंट था कि बैटरी को लेकर कि आईफोन 11 का बैटरी ख़राब है, तो मैं यहाँ पे आपको चैलेंज करके बता सकता हूँ आईफोन 11 की बैटरी बहुत अच्छी है। इनफैक्ट आईफोन 11 प्रो से भी ज़्यादा अच्छी है। 3110 mAh की बैटरी आपको यहाँ पर मिल जाती है, जो कि
गुड इनफ है दिन भर चलने के लिए। फ्रेंड्स आप सोच रहे हो कि 3100 mAh, अभी आप नॉर्मल कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन लेने जाते हो तो आपको 4000 तो मिनिमम मिलता ही मिलता है, बट यहाँ पे 3100, तो इसके लिए आपको डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। बैटरी का परफॉर्मेंस आपके हार्डवेयर सभी चीज़ों पर डिपेंड करता है। यहाँ पर आपको 813 बायोनिक चिपसेट दी गई है, तो वो बैटरी कंजम्पशन को अपने हिसाब से मेंटेन करती है, तो बहुत ही अच्छा बैटरी चलता है, उसके लिए आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो ये एक छोटा सा मेरा वीडियो था, और अगर आप इन द बॉक्स देखना चाहते हो कि क्या कुछ मिलता है, तो कुछ नहीं मिलता है, बस ये छोटा सा बॉक्स मिलेगा, इसके अंदर आपको फ़ोन मिले रहता है, एयरफोन भी नहीं मिलते हैं, एक नॉर्मल सा आपको केबल मिलता है जो कि टाइप सी टू लाइटनिंग पोर्ट होता है हमारा, और बस ये छोटा सा इसमें कुछ कार्ड्स वगैरह होते हैं छोटे छोटे एप्पल के अपने, और सिम इजेक्टर टूल मिल जाता है। बस ये एक छोटा सा वीडियो था, तो अगर आप डिस्प्ले में कंप्रोमाइज़ कर सकते हो तो मैं डेफिनेटली बोलूँगा कि आप ये फ़ोन जाओ और परचेज़ करो, परफॉर्मेंस में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, गेमिंग वगैरह में कोई दिक्कत नहीं होगी। और कैमरा के साथ एक प्लस पॉइंट मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो आईफोन 11 में इंट्रोड्यूस करा गया है नाइट मोड, वो आपके लिए एक बता सकता हूँ कि तोहफा ही है समझ लो, क्योंकि इतना अच्छा इसका नाइट मोड है। मैं कुछ सिंपल्स आपको अभी दिखा देता हूँ, स्क्रीन पे आप देख सकते हो कितना अच्छा ये इसका नाइट मोड कैमरा परफॉर्म करता है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था रिव्यू आईफोन 11 का, होप करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। और भी इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं वहाँ पे ज़रूर आपको रिप्लाई करता हूँ, मैं हर एक को रिप्लाई करता हूँ, आप जाके कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो मेरा। तो दैट्स ऑल दोस्तों, होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो एक लाइक कर दो, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं टेक से रिलेटेड नई नई वीडियोस अपलोड करते रहता हूँ, उसकी नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल जाए और आप देख सको। दैट्स ऑल, थैंक यू फ्रेंड्स।